जी। अच्छा, तो 209 इसमें इसने बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाया हुआ है ना, पहले दिया हुआ ओवरड्राफ्ट पर बैंक स्टेटमेंट, फिर डिपॉजिट नॉट क्रेडिटेड। अच्छा, इसका मतलब क्या डिपॉजिट नॉट क्रेडिटेड, इसका और क्या नाम होगा, क्या मतलब? ये अनक्लियर हो गया ना, डिपॉजिट करवाए क्रेडिट नहीं हुए मीन्स अनक्लियर, और आउटस्टैंडिंग चेक्स अनप्रेजेंटेड चेक्स हो गए। ठीक, अच्छा, तो ऐड हो गए लेस हो गए याद बताना क्या, अज्यूमिंग दैट बैंक स्टेटमेंट बैलेंस ऑफ 38,600 इज करेक्ट, ये करेक्ट है, व्हाट शुड बी द कैश बुक बैलेंस, ये बैलेंस बताना है क्या होगा। अच्छा, अब इसमें देखिए कहीं आपको मिस्टेक अगर दिख रही है, नहीं, अगर इसमें कोई मिस्टेक नहीं है तो यही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए, और अगर इसमें कोई मिस्टेक है तो आंसर चेंज हो जाएगा ना, ये चेक करें सही बना है या गलत, इसमें कोई मिस्टेक है या नहीं है, मुझे ओवरड्राफ्ट क्या बता। पर है इसमें, हाँ, लिखा हुआ ओवरड्राफ्ट पर बैंक स्टेटमेंट है, ओवरड्राफ्ट होगा लेस होगा ना सर, ये क्रेडिट टाइप होगा सर, हाँ, ओवरड्राफ्ट पर बैंक स्टेटमेंट, ओवरड्राफ्ट तो लेस होगा ना हाँ क्रेडिट। देखें, मिस्टेक कहाँ पर, यहीं पर मिस्टेक है स्टार्ट में, ये दिया ओवरड्राफ्ट पर बैंक स्टेटमेंट, अभी हमने दो क्वेश्चन किए थे, ओवरड्राफ्ट है तो नेगेटिव में लेंगे ना, तो ये 38,600 नेगेटिव में आएगा, बाकी सब सही है। अब जरा सॉल्व करें इसको, लिखे माइनस 38,600, फिर ये ऐड हो जाएंगे 41,200 और 3,300 लेस ही होंगे, आंसर बताएं क्या होगा, फिर इसको नेगेटिव पे रखना है, ब्रैकेट नेगेटिव। अब बताएं आंसर क्या में आएगा, अब आंसर आएगा -700, अब आपका आंसर आएगा -700, लिखा ऑप्शन सी, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो मिस्टेक इसमें क्या थी, ओवरड्राउन प्लस में लिया हुआ इसने। है। कैलकुलेटर भी करते हैं आप, लेकिन ये -38,600 +41,200 -3,300, तो -700 आ जाए। ठीक है, बस ये इसमें से भी एरर था, बाकी सब ठीक है। जिसमें क्वेश्चंस मिक्स हैं, पहले थोड़े इजी वाले करते हैं। 221 बल्कि बढ़िया 221 कह रहे हैं, 211, 211। कैश बुक में क्या क्या आएगा, कैश बुक जी आंसर, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा 1256। ये कंट्रोल अकाउंट का क्वेश्चन है, ये एरर का क्वेश्चन है, कंट्रोल अकाउंट, कंट्रोल अकाउंट नहीं पढ़ा मैंने। ठीक हाँ, प्रेस भी हो गया, पास भी हो गया, है, एरर, कंट्रोल अकाउंट, फाइल बैलेंस, एरर, कंट्रोल जाते हैं कि ये लोग बात कर रहे हैं, नहीं आएंगे अभी इसमें आगे, ये बताएं 249, 249 बबलू, ये देखो, 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 ये देखो,
249 कैश बुक में क्या क्या बैंक कार्ड और बैंक चार्जेस ऑप्शन डी डी आंसर होगा ठीक है अच्छा ये सॉल्व करते हैं 250 बैलेंस ऑन कैश अकाउंट कैश बुक का बैलेंस है ओवरड्राफ्ट अनप्रेजेंटेड चेक आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट के बाद क्या है बैंक चार्जेस हैं इंटरेस्ट इंटरेस्ट चार्जेस हैं व्हाट इज द करेक्ट बैलेंस ऑन द कैश अकाउंट ठीक है कैश अकाउंट बनेगा वही कैश बुक एडजस्टेड बैलेंस मालूम करना है इक्विटी अकाउंट बनाते हैं यहाँ से कॉपी करता हूँ कहाँ गया चल इक्विटी अकाउंट बनाते हैं इसमें छोटा सा टी अकाउंट बनेगा मतलब ये कैश बुक या बैंक अकाउंट आपका बनेगा बैलेंस कितना है बैलेंस 89.93 ओवरड्राफ्ट ये क्रेडिट पे आएगा 89.93 अच्छा इसके बाद यार दैट डेट देयर वर आल्सो अनप्रेजेंटेड चेक अच्छा अनप्रेजेंटेड चेक आएंगे नहीं आते आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट ये भी नहीं आएंगे इसके बाद ये बैंक चार्ज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट चार्जेस आ जाएंगे ना तो ये हो जाएंगे क्रेडिट 16.45 ठीक है बस इसका टोटल करें ये इसका आंसर हो जाएगा 106.38 ठीक है ये इसका डेबिट में आ जाएगा ये इसका कैरी डाउन हो जाएगा 6.38 ठीक है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ठीक चल नेक्स्ट अच्छा ये सारा समझ लें डिफरेंट क्वेश्चन है रिक्वायरमेंट चेंज है इसकी अब तक देखिए हमने जो क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें एडजस्टेड बैलेंस फाइंड किया था यहाँ क्या पूछा व्हाट इज द बैलेंस ऑन बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस बताना है अच्छा तो अभी हमने क्वेश्चंस किए थे तो जैसे ये आपके सामने एक बना हुआ है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट और ये कैश बुक बनी हुई है ना इसमें बताएं बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कौन सा है बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट ये ऊपर दिया हुआ है ना -1353 ठीक है अब ये बैलेंस हमें फाइंड करना है बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट ठीक है तो अब ये बैलेंस फाइंड करने के लिए आपके पास ये एडजस्टेड बैलेंस होना चाहिए 908 अगर ये एडजस्टेड बैलेंस है तो इसमें हम क्या करेंगे रिवर्स कैलकुलेट करेंगे रिवर्स कैलकुलेशन होगी तो ये हमारे पास बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट आ जाए अच्छा अभी एडजस्टेड बैलेंस कहां से आएगा ये एडजस्टेड बैलेंस 908 हाँ तो ये कैश बुक से आएगा क्योंकि कैश बुक का एडजस्टेड बैलेंस और बीआरएस का एडजस्टेड बैलेंस सेम होते हैं तो इसका मतलब इसमें पहले हम बनाएंगे कैश बुक एडजस्टेड बैलेंस फाइंड करेंगे उसके बाद ये बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनेगा रिवर्स कैलकुलेशन होगी तो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट आ जाएगा ठीक है तो इसको समझ लें सॉल्व करवाता हूं पहले बनाते हैं कैश बुक इसी में बना लेते हैं चलें ये सब रिमूव हो गए कैश बुक का बैलेंस लिखते हैं अब ये बैलेंस है डेबिट बैलेंस ऑन कैश बुक 148 डेबिट बैलेंस 148 तो ये समझ लीजिएगा इस तरह के क्वेश्चन टेस्ट में आएंगे काफी 4-5 क्वेश्चन है तो ये बता रहा हूँ अच्छा पॉइंट वन
Bank statement shows there were bank charges for the period of 110, which have not been recorded in the cash book. तो bank charges cash book में credit होंगे, ठीक है। उसके बाद स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट मिस्टेकनली ओमिटेड फ्रॉम कैश बुक, तो स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट क्रेडिट हो जाएगी। नंबर थ्री है चेक्स टोटलिंग 125 रिटन एंड साइन टू सप्लायर हैड नॉट बीन, ये अनप्रेजेंटेड चेक हो गए। अ चेक फॉर 85 हैड बीन पेड इनटू द बैंक स्टिल आउटस्टैंडिंग, ये अनक्लियर चेक हो गया ना, तो ये दोनों नहीं आएंगे। कैश बुक का टोटल करते हैं, डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 148, माइनस करें इसमें से 25 और 10, 113 आ जाएगा, ठीक है। ये तो आ गया हमारे पास एडजस्टेड बैलेंस एज पर कैश बुक। अब बनाते हैं बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, शॉर्ट लिख देता हूँ BRS। अच्छा हमें क्या चाहिए, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। अच्छा ये तो हमें फाइंड करना है ना, ठीक है। अच्छा अब इसमें देखें क्या है, नंबर थ्री है आपका अनप्रेजेंटेड चेक, ये माइनस होंगे, ठीक है। लेस करते हैं अनप्रेजेंटेड चेक्स, ओके जी, लेस करते हैं अनप्रेजेंटेड चेक कितने हैं, 125 माइनस 125 और ऐड करेंगे अनक्लियर चेक, अनक्लियर चेक कितने हैं, 85 के ऐड कर लेंगे तो एडजस्टेड बैलेंस आ जाएगा ना, एडजस्टेड बैलेंस। अच्छा एडजस्टेड बैलेंस हमने कैलकुलेट कर लिया, ये कितना है 113, एडजस्टेड बैलेंस एज पर कैश बुक 113। अच्छा अब हमें चाहिए बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, उसके लिए हम क्या करेंगे, रिवर्स रिवर्स कैलकुलेशन हो गया। अच्छा रिवर्स कैलकुलेशन क्या होता है, जो वैल्यू प्लस है वो माइनस हो जाएगी, जो माइनस है वो प्लस। इसको मैं आपको इक्वेशन बना के भी समझा देता हूँ और क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। देखें अब हमें बैलेंस पर बैंक स्टेटमेंट फाइंड करना है, उसको सपोज कर लिया हमने एक्स। अच्छा इसको जरा स्टेटमेंट को इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं तो ये बेहतर समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक्स माइनस 125 प्लस 85 इक्वल्स टू 113, ये इक्वेशन बनेगी। अच्छा एक्स फाइंड करना है तो आप लिखेंगे एक्स इक्वल्स टू 113, 125 उस साइड पे जाके प्लस होगा और 85 माइनस हो जाएगा ना, तो अब एक्स की वैल्यू क्या आएगी, कितनी आ रही है 153 पॉजिटिव, ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। अच्छा अब इसको अगर डायरेक्ट यहां करना है स्टेटमेंट से, तो स्टेटमेंट में क्या होगा, साइन आप चेंज कर देंगे, देखिए इसमें साइन चेंज हो गया ना, 125 माइनस था प्लस हो गया, 85 प्लस था माइनस हो गया, तो इसको डायरेक्ट आप ऐसे करेंगे 113 माइनस 85 प्लस 125 153 आ जाएगा। तो जब भी रिवर्स कैलकुलेशन होगी साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है, साइन चेंज हो जाएंगे तो ये आपके पास बैलेंस आ गया 153। कहाँ चले गए, ठीक है, ओके जी, इसको कॉपी कर लें, ये कॉपी कर लें क्वेश्चन वो 251, ठीक है, ये कॉपी करें।